अस्सलाम वालेकुम माई YouTube की छोटी सी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ बिखेरते रहें। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो हम गए थे अलजन्नत मॉल। अलजन्नत मॉल है ये रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट का अलजन्नत मॉल है। तो मुझे यहाँ से कहनी थी कुछ शॉपिंग। अच्छा जी, शॉपिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मेरा थॉट बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से मेरी वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए मैं आपसे पहले ही माजरत चाहती हूँ। तो आजकल पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से फ्लू कफ बहुत ज़्यादा, तबीयत जो है ना डाउन थी। लेकिन वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी थी, इसकी वॉइस ओवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जी, मैंने यहाँ से लिया फाउंडेशन एंड कंसीलर। मैंने लेना था यहाँ से फाउंडेशन और कंसीलर। तो इनका जो ये है शॉपकीपर, ये भी बहुत अच्छी इसकी डीलिंग थी, बहुत अच्छी इन्होंने डील किया। तो जी, मैं नॉर्मली शॉप से जो है ना अपनी शॉपिंग वगैरह नहीं करती। तो अगर मुझे कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह लेनी हो तो मैं किसी मॉल के अच्छे कॉस्मेटिक शॉप से ही कॉस्मेटिक्स लेती हूँ। तो जी, फिर इन्होंने मुझे कंसीलर दिखाया, पर ये लिक्विड फॉर्म में था, मुझे नहीं पसंद आया। तो मैंने कहा कि मैट फॉर्म में मुझे चाहिए। तो खैर, फिर इन्होंने फाउंडेशन वगैरह दिखाया, तो वो जब इन्होंने चेक वगैरह कराया तो मैंने कहा चलें ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, तो जी ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल। ये मैं फाउंडेशन भी ले आई थी और ये मैं कंसीलर भी ले आई थी। मुझे कंसीलर ये वाला चाहिए था क्योंकि ये ईजी होता है लगाने में ना और प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये 2-in-1 था, डार्क भी था और लाइट भी था, तो मैंने कहा इट्स गुड है। तो ये फिर मैंने ले लिया और साथ ही साथ फिर ये मैंने फाउंडेशन भी लिया है मिस रोज़ का। मैंने कहा कि चलो यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे इतना शौक़ नहीं है मेकअप का, तो मैंने कहा चलें ये यूज़ कर लेती हूँ। तो ये साथ मैंने स्पंज वगैरह भी लिया, ये मैंने यूज़ किया था तो बहुत अच्छा है। आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगी कि जो ज़्यादा शौकीन नहीं है मेकअप के, वो इस तरह का मेकअप यूज़ कर सकते हैं। खैर, फिर इन्होंने ये बिलिंग वगैरह करवाई वहाँ पे, तो इतने में मैंने कहा चलो मैं जो है ना बाकी मॉल में देख लूँ और क्या क्या है। तो इतना रश भी नहीं था, फ्राइडे जो है वो ज़्यादा रश नहीं था, तो मैंने कहा चलें। उसके बाद जी हम अपने नेक्स्ट मिशन पे निकले, तो हमारा हो गया ग्रॉसरी टाइम। हमने मंथली ग्रॉसरी भी करनी थी। तो जी, ये हम आ गए हैं ग्रॉसरी करने पंजाब कैश एंड कैरी, जो कि रावलपिंडी में है, सैटेलाइट टाउन के ईरान रोड पे। ठीक है, सैटेलाइट टाउन में है और ईरान रोड पे है। तो मैं अक्सर जो है ना ग्रॉसरी यहाँ से ही करती हूँ, क्योंकि एक तो ये जो है ना हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से जो है ना हम ग्रॉसरी यहाँ से ही कर लेते हैं और काफ़ी रीज़नेबल हो जाती है। और जो है बाकी क्वांटिटी वगैरह भी इसकी अच्छी होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो इस बार जो है ना मैंने लिस्ट बना के मोहम्मद के पापा को दे दिया था कि भाई चलें आप जो है ना ग्रॉसरी करें, क्योंकि ये ग्रॉसरी बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत नाप तोल के हर चीज़ की प्राइस वगैरह देखकर बड़े अच्छे से ग्रॉसरी करते हैं। तो मैंने इस बार इनको लिस्ट दे दी कि भाई आप ग्रॉसरी करें और मैं जो है ना वीडियो बनाती हूँ। तो ये अब पापा बेबी जो है ग्रॉसरी कर रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी फेवरेट चीज़ रखी है निम्को। तो निम्को हम लोगों को बड़ी पसंद है, क्योंकि जब भी हमने जो है ना टीवी वगैरह देखना होता है, कोई मूवी देखने बैठे हैं, कोई हॉरर शो वगैरह देखने बैठे हैं, तो हमें जो है ना निम्को खाने को चाहिए होती है, यानी हमारा मुँह चलता रहे। तो जी, यहाँ पर नज़र आ गए मोहम्मद को रेवड़ी, जो कि पंजाब के में जो है चकवाल की बहुत ज़्यादा फेमस है। रेवड़ी पंजाब में रहने वालों को तो पता होगा। तो बाकी ये है कि ये ग्रॉसरी वगैरह कर रहे हैं यहाँ से। तो हमारा तो पंजाब कैश एंड कैरी का जो है ना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और मेरी तो ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि जब भी मैंने मंथली ग्रॉसरी करनी है पंजाब कैश एंड कैरी से ही करनी है, तो मैं यहाँ से ही करती हूँ। तो मंथली करें, वीकली करें, पर मेरा ये कहना है और मेरा ये, मैं आप लोगों को सबको यही सजेस्ट करूँगी, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे देखने वाले हैं, मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग वीकली ग्रॉसरी या मंथली ग्रॉसरी या 15 डेज़ की ग्रॉसरी एटलीस्ट घर में डाल लिया करें। उससे ये होता है, एक तो आप मेंटली रिलैक्स रहते हैं और दूसरा बरकत होती है। पहले जो है ना बड़े बूढ़े बड़ा कहते थे कि थोड़ी थोड़ी चीज़ में बरकत नहीं है, तो मैं इस चीज़ को बड़ा मानती हूँ कि वाकई थोड़ी थोड़ी चीज़ में बरकत नहीं होती। और दूसरा ये है कि आपका टाइम बच जाता है, जो चीज़ आपने हर दूसरे दिन लेने के लिए मार्केट जाना होता है इतना,
टाइम वेस्ट होने से बेहतर है कि आप पूरे मंथ की एक ही मतलब ग्रॉसरी करके घर में डाल लें, तो आपका टाइम भी बच जाएगा इस तरह से, और जो है जो चीज़ आपको 10 के बजाय 20 की मिलनी है तो वो भी आपका थोड़ा सा बचत हो जाएगी। तो ये जी इन्होंने बिलिंग वगैरह करवाई, बिलिंग वगैरह करवा के जी हम लोग फिर घर पहुँचे। घर पहुँच के मैंने कहा चले अब मैं आप लोगों को फाइनल सारी लुक दिखा देती हूँ अपनी ग्रॉसरी की। तो जी ये हमने छोटी के लिए मिल्क सीरीलैक वगैरह ये सारी हमारी ग्रॉसरी है, तो ये मंथली ग्रॉसरी है माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला बरकत डालें हमारी इस ग्रॉसरी में। तो बाकी उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आखिर तक लास्ट में देखें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।